मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज द चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। द चेंजेज इज ड्यू टू चेंज इन शेप, चेंज इन साइज, चेंज इन स्टेट्स, चेंज इन कलर आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। द चेंजेज इज ड्यू टू चेंज इन शेप, साइज, स्टेट, कलर, etc. ओके, आर कॉल्ड फिजिकल चेंज। से मेल्टिंग ऑफ आइस, एग्जांपल्स, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस इज सॉलिड, मेल्ट करने के बाद लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ड्यू टू चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग ऑफ आइस, एवेपोरेशन ऑफ वाटर। वाटर को हम बॉइल करेंगे 100 डिग्री सी के बाद वो एकदम वेपर में वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, वेपर में से गैसेस स्टेट में चेंज होगा। तो स्टेट चेंज हुआ आपको जो है लिक्विड से गैसेस स्टेट, तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। रनिंग ऑफ फैन, इट इज ए फिजिकल चेंज, उसमें कोई इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। फिजिकल चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंज। ओके, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का भी, ये भी आपका फिजिकल चेंज हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मेकिंग ऑफ सलाद, सलाद बनाते हैं हम फ्रूट से सलाद, तो वो भी एक फिजिकल चेंज होगा क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज होगा। ओके, टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर को हम कट करेंगे कैसीजर से, तो कट करने के बाद सिर्फ उसका, मान लिया पेपर को कट करते जाएंगे तो साइज में चेंज होते जाएगा, लेकिन उसमें साइज ही चेंज हो रहा है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो ये आपका फिजिकल चेंज हुआ। ब्रोकिंग ऑफ ग्लास, इट इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। ग्लास ब्रोक डाउन करने के बाद ग्लास का छोटा छोटा टुकड़ा मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस तो नहीं मिलेगा, फिर ग्लास को फिर हम मेल्ट डाउन करके फिर ग्लास में हम रिसाइकिल करके ग्लास बना सकते हैं। ओके, सो इट इज अ फिजिकल चेंज। नाउ कम टू द केमिकल चेंज। जिस चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है वो आपका कौन सा चेंज कहलाएगा? केमिकल चेंज। द चेंजेज इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म are called
chemical change. Chemical change. Okay. Just digestion of food. जब food digest करता है तो वो भी केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस वो चेंज कर जाता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन कर जाता है ग्लूकोज में, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है. तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ पेपर एग्जाम्पल सा, बर्निंग ऑफ पेपर इट इज ए केमिकल चेंज. लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल्स आर बोथ सेम, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज बोथ. बिकॉज कैंडल बर्न करता है तो आपका वैक्स मेल्ट डाउन करेगा, फिर मेल्ट डाउन करने के बाद वैक्स मिल जाता है, लेकिन जो उसके धागा जो बर्न करते हैं वो फिर नहीं मिलेगा. और बर्न करने के बाद वैक्स कैंडल बर्न करता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर निकलता है. तो ये आपका केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल burning of LPG it is a chemical change. burning of magnesium ribbon it is a chemical change. magnesium ribbon jab burn karta hai Mg plus O2 to magnesium oxide banta hai. और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है व्हाइट एस बनता है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड न्यू सब्सटेंस बनता है. तो ये आपका केमिकल चेंज हुआ. बर्निंग ऑफ सीएनजी, सीएनजी में मीथेन गैस होता है, मीथेन गैस जब बर्न करेगा तो CO2 प्लस वाटर वेपर H2O प्लस हीट प्लस लाइट निकलेगा. तो ये भी आपका केमिकल चेंज हो. बर्निंग ऑफ कोल, कोल जब बर्न करेगा, बर्निंग ऑफ कोल इट इज ए केमिकल चेंज. व्हाई बर्निंग ऑफ कोल इज केमिकल चेंज, कोल में कार्बन होता है, बर्न करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 बनेगा, हीट प्लस लाइट निकलेगा. ओके, सो इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो इसलिए ये आपका केमिकल चेंज हो गया. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज. Why rusting is a chemical change? अब during rainy season तो rusting के लिए क्या होना चाहिए? Moisture, air में oxygen होना चाहिए, तभी rusting होगा. Iron के ऊपर एक brown color का iron oxide deposit हो जाता है, जिसको हम rust बोलते हैं, और इस process को हम rusting बोलते हैं. Okay? The reactions are Fe plus H2O plus O2. आपका Fe2O3 डॉट XH2O ये आपका रस्ट बनेगा. इट इज ए केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, सो इट इज ए केमिकल चेंज. ओके, दिस इज ए केमिकल चेंज. रेस्पिरेशन इज ए केमिकल चेंज. Why respiration is a chemical change? Do you know respiration? Carbohydrates breaks down into glucose. Glucose react with oxygen to form carbon dioxide. Energy is released in the form of ATP. It provides the energy to our cell. That is why we can do work. So respiration में आपका हीट भी इवॉल्व हो रहा था. अब इसको तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, उसको हीट भी निकल रहा है, तो ये आपका एक केमिकल चेंज हो गया. नाउ कम टू द व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज,
physical change chemical change. Physical change में first is no new substance are formed. No new substance are formed. Chemical change में new substance are formed. New substance are formed. Physical change, it is a temporary change, and chemical change, it is a permanent change. It is temporary change, and it is permanent change. Physical change is a reversible change. हम पुनः उसको original substance प्राप्त कर सकते हैं, physical change में get obtain कर सकते हैं, लेकिन chemical change में हम original substance नहीं मिलेगा, आपको new substance बनेगा. तो it is a reversible change. It is reversible change. There is, it is irreversible. It is irreversible change. Okay. It is irreversible change. Fourth point. During physical change, no energy is released. Light energy are released. No energy is released. Here is energy is released. Energy is released. This is the basic difference between physical change and chemical change. Now come to the next topics in next class. Okay, thank you very much.